हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच कल से जो है देखिए ओवल में खेला जाने वाला है और टीम इंडिया ने एक बड़ा चेंज जो है अपनी स्क्वाड में किया है। यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा जो कि रिजर्व्स के तौर पर एक स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, अब उन्हें मेन स्क्वाड में जगह दे दी गई है और कल मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया जाती है, क्योंकि क्या ईशांत शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को देखा जा रहा है। इस तरीके से हाइट और जो बाउंस उनके पास मौजूद है, जो पेस उनके पास मौजूद है, क्या वो एक इफेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं, प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ईशांत शर्मा की परफॉर्मेंस तीसरे टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं थी। इकोनॉमी भी जो थी वो भी आप कहना चाहेंगे टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 4 से ऊपर की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल हाई रेट पे चला जाता है और उसके हिसाब से शायद प्रसिद्ध कृष्णा के पास एक आउटसाइड चांस ज़रूर हो सकता है। उमेश यादव भी टीम में मौजूद है मेन स्क्वाड में, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ देख रहा है तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चौथे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, या फिर 2 से 3 चेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। जडेजा को बाहर किया जा सकता है, अश्विन उनकी जगह आ सकते हैं, ईशांत की जगह कृष्णा को खेलते हुए देख सकते हैं, तो ये कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो डेब्यू किया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो ODI सीरीज भारत में खेली गई थी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस जो मैं ज़रूर कहूँगा उनका था, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बल्लेबाजों को आउट किया था, स्पेशली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस प्रसिद्ध कृष्णा ने ज़रूर किया था। थोड़ी सी जो उनकी इकोनॉमी थी वो थोड़ी आप ये कह लीजिए कि हाई रेट पर थी, लेकिन उसके अलावा सटीक लाइन ऑन लेंथ थी और बड़े मौक़ों पे जो है उन्होंने विकेट्स लिए थे। जब टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी तब विराट कोहली ने उन्हें बैक किया था। इसके अलावा इंग्लैंड के खेमे की अगर बात करी जाए तो मोइन अली को वाइस कैप्टन जो है वो बना दिया गया है 14 टेस्ट मैच के लिए और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जॉश बटलर अब जो है बिल्कुल सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो उसके लिहाज से मोइन अली अब वाइस कैप्टन की बागडोर संभालेंगे। इसके अलावा जो रूट कप्तान बिल्कुल है, देखते हैं किस तरीके से इंग्लैंड की टीम जो है ज़बरदस्त वापसी उन्होंने ज़रूर करी थी तीसरे टेस्ट मैच में, क्या उसी को वो निभा पाएंगे 14 टेस्ट मैच में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये एक बड़ा चेंज इंडियन टीम में हुआ है कि प्रसिद्ध कृष्णा मेन स्क्वाड में ऐड कर लिए गए हैं। इसके अलावा अभी भी एक खिलाड़ी रिजर्व में मौजूद है जिनका नाम है अर्जुन नगसवाला। अवेश खान पहले ही बाहर हो चुके हैं, दौरे के शुरू होने से पहले ही चोट के कारण जो है वो बाहर हो गए थे। इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन भी जो है टीम इंडिया के साथ मेन स्क्वाड में पहले ही जुड़ चुके थे और अब मात्र एक खिलाड़ी रिजर्व में मौजूद है जिसका नाम अर्जुन नगसवाला है। देखते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को क्या चौथे टेस्ट मैच में मौका मिलेगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लाल, इजाजत दीजिए, आपका क्या कहना है इस इंटरेस्टिंग सिलेक्शन को लेके जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाल, इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।